वाले हैं। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे और इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से C-295 विमान बनाए जाएंगे। ये भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट होगी जिसमें अलग अलग जगह पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाया जाएगा। इस योजना में कुल 56 विमान शामिल है जिनमें से 16 स्पेन से एयरबेस द्वारा सीधे डिलीवर किए जाएंगे जबकि बाकी 40 विमान को भारत में ही बनाया जाएगा। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और यही बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को देने वाले हैं। गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे और इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ मिलकर डील कर दी है। खास बात यह है कि देश में अभी तक इस तरह के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए जाते थे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 21,935 करोड़ रुपए है। गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तैयार। अब अमेरिका और यूरोप को मिलेगी टक्कर। देश में बनेंगे बड़े बड़े सैन्य विमान। गुजरात के वडोदरा शहर में देश की आन बान और शान टाटा कंपनी के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में तैयार होंगे एक से बढ़कर एक एयरक्राफ्ट। अमेरिका और यूरोप के अलावा देश के अंदर भी बड़े बड़े हवाई जहाज बनकर तैयार होने वाले हैं। टाटा के इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। ये पहली बार है जब देश की कोई निजी कंपनी भारतीय सेना के लिए सैन्य विमान बनाएगी। पीएम कार्यालय के मुताबिक टाटा समूह का वडोदरा प्लांट में एक पूरा इकोसिस्टम बनेगा जहां विमानों के निर्माण से लेकर उनकी असेंबली की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड C-295 विमान बनाएगी। इस समय दुनिया में बड़े विमान बनाने वाली कुछ ही कंपनियां हैं जिनमें बोइंग और एयरबस का नाम अहम है। ये कंपनियां अमेरिका और यूरोप की हैं। रूस और चीन के यहाँ भी विमानों का निर्माण होता है लेकिन उनकी शोहरत इतनी नहीं है। ऐसे में जब वडोदरा में देश की कोई निजी कंपनी भारतीय सेना के लिए सैन्य विमान बनाएगी तो ये देश के लिए गर्व और पूरे विश्व में गौरव की बात होगी। इससे पहले 30 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन की आधारशिला रखी थी। वडोदरा में ये प्लांट भारत में निजी क्षेत्र की एक ऐसी पहली यूनिट होगी जिसमें अलग अलग जगहों पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाए जाएंगे। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 विमानों के लिए एयरबस के साथ 21,935 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 40 C-295 विमानों का निर्माण भारत में होना है। इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने समझौता किया था। भारत सरकार के साथ समझौते के मुताबिक 16 C-295 विमानों की आपूर्ति स्पेन से सीधे एयरबस करेगी और बाकी के 40 विमानों का निर्माण वडोदरा में किया जाएगा। पीएम मोदी लगातार डिफेंस फील्ड को आत्मनिर्भर बनाने का जिक्र करते आए हैं। इस कड़ी में अब देश में ऐसे एयरक्राफ्ट C-295 का निर्माण किया जाएगा जिसे मुश्किल जगहों पर आसानी से ले जाया जा सकता है। C-295 एयरक्राफ्ट 71 सैनिकों, 44 पैराट्रूपर्स और स्ट्रेचर ले जाने की क्षमता से लैस होंगे। ये विमान देश में ही बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लैस होंगे। प्राकृतिक आपदा के समय ये एयरक्राफ्ट काफी कारगर होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स को आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक वडोदरा में टाटा के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट में पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान 2026 में तैयार होगा। उधर स्पेन से 16 विमानों में 6 विमान भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। स्पेन ने पहला C-295 विमान सितंबर 2023 में भारत में भेजा था। इस समझौते के तहत 56 विमान के 2031 तक भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में टाटा के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी रक्षा से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी अपना योगदान देंगी।